हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? वेलकम बैक टू माय क्लास पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन न्यू प्लेलिस्ट मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट लेक्चर हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जी विद 12th। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक निश्चित और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आज ए इस सीरीज का यानी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट वीडियो है। कल तक के वीडियो में मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन के लगभग 8 or 9 वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं और वो आप उन्हें देख करके अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। आज हम एकदम न्यू टॉपिक आज लेके आए हैं। आज से आप इसको नियमित रूप से देखिएगा, ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्पेशली बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है सिंपल और इजी वे में सिखाऊंगा। साथ में इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा जो बच्चे जी एडवांस फाइट करना चाहते हैं। हर चीज शॉर्ट में आपको मिल जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सीखते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे अपने विचार भेजते रहिएगा और आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तब भी मुझे वहां पर बताइए, मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? मेन हेडिंग है हमारी हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इसकी मैं सिंपल ट्रिक बता देता हूं आपको डायरेक्ट कैसे बनाना है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो, लेकिन अगर क्वेश्चन कोई आपको ट्विस्ट करके पूछा गया तो आपको मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगी। दोनों चीजें सीखो बड़े आराम से और अपने नोट्स भी बनाते जाओ आज से, और एक न्यू सीरीज का आप इंजॉय करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेंजीन का हैलोजिनेशन कैसे करते हैं ये आप एक जनरल रिएक्शन को पहले समझ लीजिए कि कैसे रिएक्शन होती है और किसकी प्रेजेंस में होती है और क्या बनता है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बेंजीन ले रहा हूं, ये है हमारी बेंजीन, सभी जानते हैं C6H6 अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन कराना है हमें, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहां पर हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब मेनली फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, लेकिन इसमें दो कन्वीनियंट हैं क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन भी होता है लेकिन इसके लिए स्पेशल एपरेटस और रिएक्शन के लिए कुछ स्पेशल कंटेंट भी लेना होता है, उसे हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे। हमें जरूरत जो पड़ेगी वो मेन है क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। आयोडिनेशन और फ्लोरिनेशन भी अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल इसका कि कैसे रिएक्शन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो दूंगा। तो आइए यहां पर कॉम्पिटिटिव अप्रोच में यहां पर मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया ब्रोमीन, Br2 की रिएक्शन कराना है यहां पर। ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की क्या है, किसकी प्रेजेंस में होती है? तो यहां पर दो चीजें आपको बता दूं, या तो आपको लेना पड़ेगा AlBr3 या आपको लेना पड़ेगा FeBr3। ये रिएक्शन भी आप हीट की प्रेजेंस में होगी, ये भी रिएक्शन आपको हीट की प्रेजेंस में होगी। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिएगा। ये दोनों लुईस एसिड हैं। ये रिएक्शन लुईस एसिड AlBr3
या FeBr3 की प्रेजेंस में होती है। अगर यहां पर Br2 की जगह Cl2 अगर आप लेते हैं तो लुईस एसिड भी आपको इसी की तरह AlCl3 और FeCl3 का यूज करना होता है। इसका काम केवल और केवल इतना है कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल है Br2, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को मोर स्ट्रॉन्गर बनाता है कौन? ये दोनों में से कोई भी एक। तो इसका केवल काम समझ में आ गया, लुईस एसिड है और इलेक्ट्रोफाइल को मोर स्ट्रॉन्गर बनाता है, इससे रिएक्शन आसानी से हो सके, ये इसका मेन यूज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें यहां पर लिख देता हूं, आप या तो इसको यूज करिए या इसको यूज करिए। अब आपका क्या होगा, देखो यहां पर मैं एक और बेंजीन रिंग बनाता हूं और अल्टरनेट बॉन्ड लगा करके यहां पर H रिप्लेस करके और Br जोड़ देती, यहां से H निकल जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Br, और साइड में क्या निकलेगा, HBr। ये देखिए, ये है सिंपल सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन आप कराइए, तो आपको क्या बना देना है, ब्रोमो बेंजीन बेंजीन की रिएक्शन करके। ये है हमारी सिंपल और कन्वीनियंट रिएक्शन, याद कर लीजिए 12th क्लास में आया, 11th क्लास में, या कोई सिंपल कंपटीशन में आई तो आप इसे सॉल्व कर देंगे। आपको बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में, आपको बात करते हैं ये रिएक्शन आखिर होती कैसे है, कैसे ये Br2 एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और ब्रोमोबेंजीन बनाता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए हर चीज़ को, हर चीज़ इसके अंदर जो मैं बोलता हूँ वो आपकी काम की होती है। जैसे मैंने बताया ये क्या है, यहाँ पर लुईस एसिड है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, समझ में आ गया। तो चलिए अब मैकेनिज्म जान लें। मैकेनिज्म में सबसे पहली स्टेप समझो, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले मैं इस Br के बारे में आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, Br सिंगल बॉन्ड Br, इस Br पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 लोन पेयर, इस Br पर भी 3 लोन पेयर। सबसे पहले लुईस बेस यानी FeBr3, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये मैंने ले लिया FeBr3, ये मैंने यहां पर ले लिया लुईस बेस की। होगा क्या इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए इसका ये जो आप FeBr3 देख रहे हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है Fe का, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन, ये आप जो फ्री इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Fe के साथ बॉन्डिंग करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, समझ गए ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको डोनेट करके Fe के साथ बॉन्डिंग करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे। कैसे बनेगा वो कॉम्प्लेक्स आयन जरा देखिएगा, अब देखिए ये Br पहले देखो आप, इस Br से ये बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर लोन पेयर में कोई डिफरेंस नजर आपको नहीं आएगा, जितने पहले थे उतने ही यहां पर हैं। अब देखिए ये बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा Br, बॉन्ड यहां पर लग जाएगा Fe, अब देखिए Fe और Br के बीच में ये बॉन्ड लग गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, ये देख लीजिए, अब इसके पास 2 लोन पेयर, क्लियर हो गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए थे और बॉन्डिंग की थी तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखिए, और FeBr3 तो था, इसे लिखा रहने दीजिए, इसमें कोई अंतर नजर नहीं आएगा, देखो ये बन गया।
ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देखिए यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट है, यहाँ दो और दो चार और दो छः इसका भी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो गई, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारी प्रोसेस है। सबसे पहली वाली हमें क्या बनाना है, एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स। ये बन गया। हमारे रिएक्शन में मेनली यही पार्टिसिपेट करेगा, और ये बी आर जो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये बी आर एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगेगा। अभी आप इसको देखेंगे। अब देखिए, अब मैं रिएक्शन को स्टेप टू में ले जाता हूँ। स्टेप टू थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान देना इस पर। मैं यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बनाऊँगा, ओके। ये हमारे ये बॉन्ड लगा देते हैं, कहीं भी जहां भी आपको अच्छा लगे, ये मैंने बॉन्ड लगा दिया, ओके। प्लस ये जो, अब इसको पूरा क्या मान लो, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेगा ये कॉम्प्लेक्स। इसमें से बी आर निकल के कैसे आएगा, तो पहले हम इस कंप्लीट इसको इसकी यहां से रिएक्शन कराएंगे। यहां पर लिखूंगा मैं बी आर सिंगल बॉन्ड बी आर सिंगल बॉन्ड एफ ई बी आर थ्री बी आर पर नेगेटिव चार्ज बी आर पर पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर यहाँ पर कितने हैं इस बी आर पर टू और इस बी आर पर थ्री लोन पेयर हैं। आपको ये लोन पेयर की स्थिति को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ना कि रिएक्शन देख करके आप सीधा सोचे कि कैसे बन गई। सारी प्रोसेस समझ लो। अब आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन किस यहां से इस बी आर पर अटैक करेंगे। ये देखिए फर्स्ट प्रोसेस ये है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बी आर पर अटैक करेंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड, और ये कहां चला जाएगा बी आर के पास, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और ये यहां पर क्या स्थिति होगी देखिए जरा, अब जो बॉन्ड बनेगा वो एक कंपाउंड बनेगा। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कहीं भी कर दीजिए एक जगह पर, मान लीजिए यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया और यहां पर ये एच पहले से ही था और ये बी आर जुड़ गया। अदर बॉन्ड कहाँ लगे हुए, जहाँ लगे हैं वहीं लगा, ये समझने के लिए, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आया। देखिए ये बी आर, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बी आर के साथ में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का मूव देखो, ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो हमारे पास क्या बचेगा जो मैं अभी बताऊँगा। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसमें देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेड, इसमें क्या दिखाई दे रहा है डीलोकलाइजेशन, यहां पर ब्रेक हो गया, तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कितने बन सकते हैं वो भी बना के देख लें कि, क्योंकि देखो इसमें रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो देखो ये बनेगा। ये यहाँ पर बनाना जरूरी है, नहीं बनाओगे तब भी हम रिएक्शन इसी से कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड पहले से लगा हुआ है, ये एच और बी आर आप देख ही रहे हैं यहाँ, ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब आप देखेंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से यहां पर आ जाएंगे कि यहां से यहां तक रेजोनेंस है, तो ये यहां पॉजिटिव चार्ज फिनिश होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा वो ये होगा। ये देखिए यहां पर बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड पहले से ही यहां पर था, पॉजिटिव चार्ज यहां पर पहुंच गया, H पहले ही यहां था और बी आर भी हमारा यहां पर है, ये हमारे थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। और प्लस में क्या निकला देख लो जरा, बी आर तो जुड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए बॉन्ड के, बी आर पर पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया
और FeBr4 नेगेटिव बन गया, FeBr4 नेगेटिव ये निकल जाता है, एक बेस की तरह काम करेगा। अब देखिए ये हमारा जो कंपाउंड बना है इसको आप एरिनियम आयन बोल सकते हैं, बेंजीन का ही कंपाउंड है, क्या बोलोगे? एरिनियम आयन, ये बन गया एरिनियम आयन। अब देखिए अगली स्टेप में, स्टेप थ्री में क्या होने वाला है, सबसे सिंपल काम है थ्री स्टेप में। सेकेंड स्टेप समझ में आ गई आपको, इसमें से कुछ लाइनें हैं वो मैं हटा देता हूं अब, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है इन लाइनों को आप हटा दीजिए, जिससे आपको वीडियो साफ नज़र आए। ओके समझ में आ गया, ये लाइन भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फालतू लाइनें जितनी हैं मैंने सारी हटा दी हैं इसमें, अब आपको वीडियो पर जो भी आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो साफ नज़र आए और आप अच्छे से नोट्स बना पाएं, ये ही हमारा मेन मकसद है। चल ये चीज क्लियर हो गई आपकी, यहां तक स्टेप वन में आपने क्या डेवलप कर लिया, मोर कन्वीनियंट इलेक्ट्रोफाइल, उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पर कर दिया, यहां पर यानी बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस पर अटैक करेंगे और ये एरिनियम आयन बनाएंगे, FeBr4 नेगेटिव बाहर चला जाएगा। अब आपका जो मेन कंपाउंड में से कोई भी एक ले लीजिए और उस पर रिएक्शन करा लीजिए, मानिए ये ले लो, ये ले लो, कोई भी लो, रिएक्शन एक ही होगी। तो आपने ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लिया मान लीजिए, इसमें ऐसा नहीं कि मैं ये ले रहा हूँ तो आपको यही लेना है, आपको जो अच्छा लगे ले सकते हो। मैं लास्ट वाला, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, और ये है हमारा एच और ये है बी आर और प्लस। अब किसकी रिएक्शन होगी, अब देखिएगा, अब यहाँ से इस प्रोटॉन को कौन रिमूव करेगा, तो देखो यहाँ पर Br Fe Br3 नेगेटिव, ये है कंपाउंड, इसे मैंने ब्रेक करके लिख दिया है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे तो ये कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके अब देखिए ये जो है ये प्रोटॉन को रिमूव करेगा AbR। ओके तो अब आप देखिए जब ये प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। ओके तो ये इसके साथ में जुड़ गया, तो ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर को ट्रांसफर हो जाएंगे, Br पर, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस पर चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट इधर को हो गए। देखिए एरो का रुख देख लीजिए किधर को क्या हो रहा है, जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा और देखिए कंपाउंड ये बनेगा, ये देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश, बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड पहले से यहाँ पर पुट थे, एच यहाँ से हट गया है, अब केवल हमारे पास यहाँ पर क्या है, Br है, ये देख लीजिए। अब ये H इस Br से जुड़ करके क्या बन के निकल जाएगा, H सिंगल बॉन्ड Br, और इस Br पर आप देखेंगे टोटल अब 3 लोन पेयर होंगे, इधर इसने इधर डोनेट करके बॉन्ड बनाया तो ये इलेक्ट्रॉन फिर Br पर आ गए तो फिर से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर, और FeBr3 यानी इस पर निगेटिव चार्ज अब फिनिश हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए, तो ये बचेगा हमारा FeBr3। FeBr3 क्या है, ये जो कैटालिस्ट हमने यूज किया था यहां पर लुइस एसिड के फॉर्म में, ये फिर से रीजनरेट हो गया। ओके HBr निकल गया और हमारा बन क्या गया, ब्रोमो बेंजीन, ये हमारा यहां पर बन जाता है। ये हमारी स्टेप थ्री, इसकी भी कुछ लाइनें हैं, हटा देते हैं इसको, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए और क्लियर हो गया होगा आपको, नीचे वाली लाइन को भी हटा रहा हूं मैं। देख लीजिएगा
ये हमारा मेन कंपाउंड बन गया ब्रोमो बेंजीन, जो कि मैं यहां पर पहले ही आपको सिखा चुका हूं, ये भी ब्रोमो बेंजीन ही है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेन इस चीज की थीम जो देखने में मिलती है वो आपको मेन ये है कि आप FeBr3 की Br2 से रिएक्शन करना सीख लीजिए, तो ये यहाँ पर मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हो जाता है, जिसकी रिएक्शन हम सीधे पाई इलेक्ट्रॉन से कराते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे ही यहाँ ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी भी जगह पर एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये प्रोटॉन जैसे रिमूव होगा इस Br की वजह से, तो यहाँ पर ये फिर से हमारी एरोमेटिसिटी जो खो देता है वो फिर से एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाती है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को आपको सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, और क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ जाता है हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन हमें पूरा पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे होती है। तो अगर आपको ज़्यादातर मैंने देखा है 12th क्लास के अगर स्टूडेंट या 11th के स्टूडेंट लिखने के लिए आता है तो ये रिएक्शन काफ़ी है, मैकेनिज्म पूछती है तो आप ये तीन स्टेप दिखाइएगा आप उस पर, और कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि ये क्या है, ये किसके रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं या ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होते हैं, तो जो आपको पूरी की पूरी प्रोसेस है जो मैं हर मैकेनिज्म में सिखाता हूँ, तो बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो आपको देखने के बाद कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।